क्वेश्चन जो है बेसिकली आपके लिए मैं ढूंढ करके लाया हूं इफ पी एंड क्यू आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इफ पी एंड क्यू आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर

एक्स कौसेक अल्फा माइनस वाई सेक अल्फा एक्स कॉसेक अल्फा माइनस वाई सेक अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू के कॉट टू अल्फा के कॉट टू अल्फा इंटरेस्टिंग एंड एक्स साइन अल्फा एंड एक्स साइन अल्फा प्लस

देन के स्क्वायर इज इक्वल टू देन के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर क्या होंगे ये आपको बतानी है दोस्तों ऑप्शन आपके पास है के स्क्वायर क्या होगा यह आपको बताना है के स्क्वायर का वैल्यू होगा फोर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर एक क्वेश्चन है आपके लिए तो बेसिकली देखिए यहां पे क्या है कि P जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ओरिजिन से इस लाइन पे तो ओरिजिन से लेंथ निकालने का जो फार्मूला होता है मैं आपको जनरल फार्मूला बता देता हूं अगर अल्फा बीटा पॉइंट से अगर आपको एक लाइन पे लेंथ निकालनी होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो पे तो हम लोग क्या करते हैं अल्फा बीटा को एट द प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई पुट करके उसका मॉडल लेते हैं और डिवाइड करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर से ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया जिसका हम लोग यूज यहाँ पे करेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा जो है हमारा वो क्या है ओरिजिन है क्या है ओरिजिन है फ्रॉम ओरिजिन ओरिजिन से ड्रॉ करना है यानी इस लाइन में जहां पे एक्स और बाई है वहां ओरिजिन पुट करेंगे तो ये दोनों पार्ट जीरो हो जाएगा तो मिलेगा माइनस के कॉट अल्फा का मॉड अपॉन कॉसिक स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस सेक स्क्वायर अल्फा तो माइनस तो प्लस हो जाएगा ना क्योंकि तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो हां सर बिल्कुल तो डायरेक्ट आप कर लो ना यहां पे क्या कर लोगे सेक स्क्वायर अल्फा और इसके बारे में कह रहा है कि ये पी है क्या है पी है इसको और सॉल्व करोगे झुंू तो क्या आएगा के का मॉडलस कर दो और कॉट टू अल्फा का मॉड कर लो और यहां पे लिख दोगे क्या वन बाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, बाई अल्फा, तो स्कौर स्कौर प्लस वन बाई कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्सियम ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन आई चला जाएगा न्यूबरेटर में तो क्या आ जाएगा के का मॉड कॉट टू अल्फा का मॉड और इन कितना साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा है ना ऐसा मिल जाएगा क्योंकि यहां जो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा वो वन हो जाएगा चलो अब मालूम कर लो क्यू तो क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है ओरिजिन से ही इस लाइन पे निकालना है लेंथ तो वो क्या मिल जाएगा जीरो इंटू समथिंग जीरो इंटू सम मिल जाएगा माइनस के साइन टू अल्फा का मॉड बाई साइन स्क्वायर प्लस बोले तो कितना कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का मॉड प्लस यहां के का मोड इनटू क्या हो गया साइन टू अल्फा का मॉड ऐसा हो गया अब दोस्तों से थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना है, है ना क्या करना है इसको आपको यहां लिख देना है के का मॉड है ना और ए आ जाएगा क्या कॉस टू अल्फा का मॉड बाई साइन टू अल्फा का क्या मॉड इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन टू अल्फा बाई टू का क्या होल स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सर क्यों क्योंकि इसका वैल्यू होता है टू साइन अल्फा टू कॉस अल्फा दो दो कट जाएगा उसका स्क्वायर वो मिल जाएगा तो अब क्या आ गया आपके पास आपके पास आ गया के का मॉड कॉस टू अल्फा का मॉड और इससे कैंसिल होकर के क्या बच गया हमारे पास साइन टू अल्फा का मॉड और यहां पे फोर बचा का बचा रह गया तो फोर को हम लोग इधर खींच लेते हैं तो क्या आ जाएगा फोर पी मिल जाएगा क्या मिल जाएगा फोर पी चलो अब ये दोनों को ध्यान से देखो और क्या कुछ करना पड़ेगा टटोलो है कि नहीं तो आपको निकालना है फोर के स्क्वायर का वैल्यू तो के स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा वो आपको बताने हैं है ना तो फोर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करें फोर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो यहां पे आपका आ जाएगा के स्क्वायर साइन टू अल्फा और यहां पे आपका मिल रहा है कॉस टू अल्फा इंटू साइन टू अल्फा तो रिजल्ट कहां से कैसे मिलेगा क्वेश्चन एक बार फिर से देखो एक्स कॉसिकल्फा माइनस बाई कॉसिक अल्फा प्लस इक्वल टू के कॉ टू अल्फा अब इसके बाद आपको ऑप्शन लाना है के का वैल्यू तो के स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायरिंग अगर करते हैं हम लोग तो यहाँ मिल जा रहा है सिक्सटीन पी स्क्वायर क्या मिल रहा है सिक्सटीन पी स्क्वायर प्लस कितना क्यू स्क्वायर सिक्सटीन पी स्क्वायर प्लस क्या मिल जा रहा है क्यू स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू मिल जा रहा है हमारे पास के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू अल्फा इंटू साइन स्क्वायर टू अल्फा और बोले तो कितना प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर टू अल्फा ऐसा मिल जा रहा है तो यहां से मेरे को साइन टू अल्फा को हटाना मकसद था है कि नहीं क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक दिखता दिख रहा है यहां पर है ना इसको कैसे सोल्व करेंगे फिर से ट्राई करें या फिर आप कर लोगे क्वेश्चन में क्या है एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई से कल्फा इक्वल टू के कॉट टू अल्फा के कॉट टू अल्फाइट अल्फा। राइट हाँ ठीक है एक्स तो यहां पे ओरिजिन से लेंथ निकाल रहे हैं तो ये मिल गया माइनस के कॉट टू अल्फा वाई कॉशे का स्क्वायर अल्फा अच्छा इसका अंडर रूट भी होता है क्या होता है अंडर रूट जो कि हम लोग यहां पर गैप कर दिए तो अंडर रूट लिखना हम लोगों ने भूल गया तो ए प्रॉब्लम यहां रूट भी होता है राइट तो ए मिस्टेक हम लोग का था तो यहां पे क्या कर लेंगे हम लोग अंडर रूट कर लेंगे है ना? छोटी सी मिस्टेक, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा केवल इसका जब अंडर रूट रहेगा है ना तो अंडर रूट रहने से क्या हो जाएगा थोड़ा सा इसको फिर से देख लेते हैं तो थोड़ा सा माइंड को चेंज करोगे आंसर गलत हो जाएगा तो यहां से क्या आ गया हमारे पास के का मॉड कॉस टू अल्फा का मॉड बाई क्या साइन टू अल्फा का मॉड और यहां क्या बच गया बच्चों यहां बच गया तुम्हारे पास केवल साइन अल्फा इन टू क्या कॉस अल्फा और स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है मॉड लगता है एकदम बेसिक ठीक रखो तो क्या आ गया के का मॉड कॉस टू अल्फा का मॉड बाई साइन टू अल्फा का मॉड और ए मिल गया साइन टू अल्फा का मॉड बाई तुम टू कर सकते हो तो ए दोनों क्या हो गया कैंसिल ये दो को ले आओ पी के तरफ तो क्या आ गया टू पी इक्वल टू टू पी इक्वल टू मिल गया के का मॉड कॉस टू अल्फा का मॉड ऐसा मिल गया इसको हम लोग फर्स्ट मान लो बच्चों और इसे आप लोग सेकेंड मान लो इसे आप लोग सेकेंड मान लो इसे आप लोग सेकंड मान लो अब यहां पे 2p का कर लो होल स्क्वायर प्लस क्या Q का होल स्क्वायर तो कॉमन तुम्हारा क्या आ जाएगा K का मोड का होल स्क्वायर और यहां पे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर टू अल्फा प्लस साइन स्क्वायर क्या टू अल्फा इसका वैल्यू क्या आ गया वन तो इसीलिए के स्क्वायर का वैल्यू मिल गया फोर पी स्क्वायर प्लस क्या क्यू स्क्वायर तो हम लोगों ने फोर पी स्क्वायर प्लस ऑप्शन ए को पता कर लिया ठीक है तो दोस्तों ये सब सारी चीजें हम लोगों ने आज स्ट्रेट लाइन में किया स्ट्रेट लाइन में आज भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और सबको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया है तो आप कभी भी इसको घर में बैठ करके आराम से इसको स्टडी करके आप इसको पढ़ सकते हैं ठीक है तो आज हम लोग यहीं पे लेंगे ब्रेक और कल जो है स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन और साथ में हम लोग पेयर ऑफ पास स्टेट लाइन करेंगे ये दोनों को मिलाकर के जो क्वेश्चन पूछा है उसको बनाएंगे और उसके बाद फिर कॉनिक सेक्शन में जब आएंगे तो आपको सर्कल पारा बोला इलिप्स और हाइपर बोला का क्वेश्चन क्या करेंगे डिस्कस करेंगे दो से तीन क्लास में जो है हम लोग क्या करेंगे कोडन ज्योमेट्री को फिनिश कर लेंगे उसके बाद जो है सबसे बड़ा पोर्शन जो हमारा होगा वो कैलकुलस का होगा जिसपे हम लोग फोकस करेंगे अपने आप को और कैलकुलस में ढेर सारी बातें करेंगे उसके बाद टी और थ्री डी बच जाएगा यानी कि हमारा जो टारगेट है कि चौबीस पच्चीस तारीख तक जो है हम लोग उसको खत्म करें वो हमारा बिल्कुल होता दिख रहा है और हमारा यही प्लान भी है कि आप जो है वो को करके एग्जामिनेशन में और हम इसके लिए जो है पूर्णतः बेहतर बेहतर आप लोग भी कीजिए लो आप लोग भी, लो भी जुड़े रहिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाइए लोगों के बीच में शेयर कीजिए लोगों को बताइए और हमेशा हमसे जुड़े रहिए आज जो है वो अधिकारी अड्डा के साथ सर को दीजिए इजाजत हम फिर कल मिलेंगे थैंक यू गुड नाइट खैर